हाय फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम के सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स लॉ के चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस पे मैंने थ्योरी और सॉल्व्ड न्यूमेरिकल की पहले एक वीडियो बना दी है, आप डायरेक्ट टैक्स लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हो। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, हमें मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। हमें उसकी इनकम दी गई है 2019-20 की। यहाँ पे तीन केसेस दिए गए हैं, ए, बी और सी। पहले हम ए केस देखेंगे। इसमें हमें उसकी इनकम 2,31,670 दी गई है। अब हमें उसकी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। 2,50,000 की एग्जेम्प्टेड लिमिट से कम होगी ना, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए हमारी फर्स्ट केस में उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? नील। अब बी केस, इसमें 2,64,371 उसकी इनकम दी गई है। ये क्या है, 2,50,000 से ज़्यादा है। इसलिए पहले तो हमें इससे राउंड ऑफ करना होगा। तो कितना आ गया, 2,64,370। तो इस अमाउंट के पहले 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, वो नील होता है। और नेक्स्ट 2,50,000 पे, यानी कि इसमें से जो अमाउंट बच गई उस पर 5% लगेगा। तो पहले 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगा, और जो अमाउंट बच गई यानी कि 14,370 पे 5% टैक्स लगेगा। तो कितना आ गया, 719। तो हमारा टोटल टैक्स कितना आ गया, 719। देन उसके बाद अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से कम होगी ना, तो उसे हम 87A सेक्शन की रिबेट देते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर ए की इनकम 5 लाख से कम है, तो इसे हम 87A की रिबेट दे सकते हैं। 87A की रिबेट में यह बताया गया है कि किसी पर्सन को उतनी रिबेट मिलेगी जितना उसका टोटल टैक्स हो, और 12,500 इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगी ना, हम उसे उतने की रिबेट देंगे। तो यहाँ पे कितना कम है, 719 या 12,500। तो यहाँ पे 719 कम है, तो इसलिए उसे लेस कर देंगे। तो हमें बी केस में टैक्स पेबल कितना आ गया, नील। अब हम सी केस देखते हैं। इसमें उसकी इनकम 10,11,549 दी गई है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसे राउंड ऑफ कर लेना। हम उसे राउंड ऑफ कर लेंगे, तो पहले 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो आ जाएगा नील। और नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% टैक्स लगेगा, और नेक्स्ट 5 लाख पे 20% टैक्स, और उसके बाद जो भी अमाउंट बच जाएगी उस पे 30% टैक्स लगेगा। तो हमारा ऐसे टोटल टैक्स कितना आ गया, 1,15,965। तो अब हम यहाँ पे 87A की रिबेट क्लेम कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उसकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड कर रही है। इसलिए हम यहाँ पे 87A की रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। देन टोटल हमारा टैक्स आ जाने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, जो कि 4% ऑफ टोटल टैक्स होता है। तो हमने जो टोटल टैक्स कंप्यूट किया था उसका 4% कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो हमारी टैक्स पेबल अमाउंट आ गई 1,20,604। इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे। और हमें यहाँ पे नोट दिया गया है कि जो हमारा हेल्थ और एजुकेशन सेस है ना, वो पहले 3% होता था, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 2019-20 अब ये हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% हो गया है। हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें हमें असेसमेंट ईयर 2019-20 की टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है, और ग्रॉस सैलरी दी गई है, हाउस प्रॉपर्टी रेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और 80C के अंडर डिडक्शन की एक अमाउंट भी दी गई है। पहले हम उस पर्सन की टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। तो हमारा पहला हेड होता है सैलरी। सैलरी हमारी कितनी गिवन है, 2,86,000। उसमें से हम सेक्शन 16IA के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको लेस करेंगे,
वो कितनी होती है, 50,000 की डिडक्शन होती है, उसको लेस करके आ गया 2,36,000। हमारा सेकंड हेड होगा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से हमें इनकम हो रही है रेंटल इनकम 20,000 की। हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे हम जो हमारी एनुअल वैल्यू होती है उस पर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम करते हैं, उसे लेस कर देंगे। 6,000 लेस किया तो आ गया 14,000। हमारा थर्ड हेड होता है बिजनेस इनकम, लेकिन हमें यहाँ पे कोई बिजनेस इनकम नहीं दी गई, तो हमारा नेक्स्ट हेड होगा कैपिटल गेन्स। हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिए गए हैं 20,000 के। देन हमारा नेक्स्ट हेड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें हमें एक तो कैजुअल इनकम दी गई है विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाली 50,000 की, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया गया है 4,400 का। इनका टोटल करके आ गया 54,400। देन हम सभी हेड्स की इनकम का टोटल कर लेंगे तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 3,24,400। उसके बाद हम सेक्शन 80C की जो हमें ऊपर इक्वेशन में डिडक्शन दी गई थी ना, उसके क्वालिफाइंग अमाउंट को लेस कर देंगे, यानी कि 10,000 को लेस किया तो 3,14,400 आ गया। उसके बाद हम उस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। पहले हम कैजुअल इनकम पे भी अलग से टैक्स लगता है और कैपिटल गेन पे भी। कैजुअल इनकम पे 30% लगता है, तो 50,000 का 30% किया तो उस पे 15,000 का टैक्स आ गया। और कैपिटल गेन्स पे अलग से 20% टैक्स लगता है, तो 20,000 का 20% किया तो 4,000 आ गया। तो हमारी बैलेंस इनकम कितनी बच गई? हमारी टोटल इनकम तो 3,14,400 थी, उसमें से हमने लॉटरीज और कैपिटल गेन पे तो टैक्स कैलकुलेट कर ही लिया, उन दोनों को लेस कर देंगे तो हमारी बची हुई टोटल इनकम कितनी आ गई, 2,44,400। अब इस पे हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करेंगे। पहले 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो हमारी अमाउंट बच गई कितनी बची, 5,600, उस पे हम 5% टैक्स लगाएंगे, 280 आ गया। अब इस 280 को भी हमने जो ऊपर टैक्स कैलकुलेट किए थे ना लॉटरीज पे और कैपिटल गेन पे, उनमें ऐड करेंगे तो 19,280 आ गया। ये हमारा टैक्स आ गया। उसके बाद हम सेक्शन 87A की यहाँ पे रिबेट को क्लेम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस पर्सन की टोटल इनकम जो कि 3,14,400 है, वो 5,00,000 से इंक्रीज नहीं हो रही, तो 87A के रिबेट में 12,500 या टैक्स की अमाउंट, इनमें से जो भी कम हो उतने की रिबेट मिलती है। तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट कम है, 12,500, उसको लेस कर देंगे तो हमारी कितनी अमाउंट आ गई, 6,780। उसमें हम हेल्थ और एजुकेशन सेस जो कि 4% ऑफ टैक्स होता है उसको ऐड कर देंगे, 271 ऐड किया तो कितना आ गया, 7,051। ये हमारा टैक्स पेबल आ गया। इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारी अमाउंट कितनी आ गई, 7,050। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, हमें असेसमेंट ईयर 2019-20 की टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। बिजनेस इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रेस विनिंग्स और अमाउंट डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC 8 इशू परचेज्ड, ये हमें दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन में पहले हमें क्या करना है, टोटल इनकम को कंप्यूट करना है। पहले हम कौन सा हेड लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन वो दिया नहीं हुआ। उसके बाद हमारा हेड होता है बिजनेस इनकम, तो हमें बिजनेस इनकम दी गई है 2,54,300। उसके बाद हमारा हेड होता है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में हमें 30,000 के कैपिटल गेन दिए गए हैं। नेक्स्ट हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें हमें कैजुअल इनकम दी गई है रेस विनिंग से 20,000 की। इन सभी का टोटल करके हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 3,04,300। अब हमें इक्वेशन में दो डिडक्शंस भी दी गई हैं 80C के अंडर,
एक तो अमाउंट डिपॉजिट इन पीपीएफ और एक दिखी है एनएससी 8 इशू परचेज्ड। इन दोनों को हम ग्रोस टोटल इनकम से लेस कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी 2,74,300। अब हम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे तो हमारी टोटल इनकम कितनी आई 2,74,300। इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारी कैपिटल गेन वाली इनकम थी और कैजुअल इनकम थी उन दोनों को लेस कर देंगे क्योंकि उन दोनों पे अलग से टैक्स कंप्यूट होता है। नीचे देखो, कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना हो गया 20,000 पे 30%, कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स लगता है तो 6,000 आ गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हम बाद में देखते हैं, पहले हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई कैपिटल गेन को और कैजुअल इनकम को माइनस करके 2,24,300। तो पहले 2,50,000 जो हमारी अमाउंट होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो नील होता है। तो यहाँ पे हमारा 2,24,300 ही कवर हुआ। फिर भी 2,50,000 में से 25,700 बच गया, उसमें से हम हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट कर लेंगे जो कि हमारी 30,000 थी। 30,000 में से 25,700 तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया लेकिन हमारी बैलेंस इनकम बच गई ना 24,300। उस पे हम 20% अलग से जो हमारा कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है वो लगाएंगे तो कितना आ गया 4,860। और ऊपर हमारी इनकम पे टैक्स कितना आ गया नील। अब देखो हमारी कैजुअल इनकम का टैक्स आया 6,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स आया 4,860। इनका टोटल आ गया 10,860। ये हमारा टैक्स आ गया। उसके बाद हम सेक्शन 87A की रिबेट को क्लेम करेंगे जो कि कब क्लेम की जाती है, जब किसी पर्सन की टोटल इनकम 5,00,000 से कम हो तब। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा टैक्स है और 12,500 इन दोनों में से जो भी लेस होता है ना उतने की रिबेट मिलती है। तो हमारा लेस कितना है 10,860 लेस है तो इसे हम लेस कर देंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई नील। यहाँ पे इन्होंने सम रॉन्ग किया हुआ था इसलिए मैंने इसको ठीक करके लिख दिया। तो हमारे टोटल टैक्स कितना आ गया नील। फोर्थ प्रॉब्लम इज, इसमें हमें मिसेस जया की 2019-20 असेसमेंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। सॉल्यूशन, हमारा फर्स्ट हेड है सैलरी। सैलरी हमें दी गई है 5,70,000। इसमें से हम सेक्शन 16IA की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि अब 50,000 की हो गई है उसे लेस कर देंगे तो कितनी सैलरी आ गई 5,20,000। ये मेरे पास ना पुरानी बुक है इसलिए इसमें अमाउंट्स गलत दी गई हैं। देन हमारा सेकंड हेड होगा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू यहाँ पे नील दी गई है क्योंकि जो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है ना उस पे हमें एनुअल वैल्यू नील ही लेनी पड़ती है। इसमें से हम डिडक्शन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वो हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे लॉस आ गया। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कितना 10,000 का, इसे हम माइनस में लिख लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट हेड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमें बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन NSC दिया गया है। इन सब को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 15,240। अब हम सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड और अदर इनकम्स इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 5,25,240। उसमें से हम सेक्शन 80C की डिडक्शंस को क्लेम करेंगे। पहली डिडक्शन है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन NSC। उसके बाद अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू RPF, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट डिपॉजिट विद PPF, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टू HDFC। ये हमें हाउस प्रॉपर्टी में दिया गया था ये लोन,
इन सभी को हम लेस कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम आ गई 4,96,200। ये सभी डिडक्शंस हमें पहले से ही इक्वेशन में दी गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, मिसेज जया की टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। 4,96,200 के पहले 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो हो गया नील। और जो हमारा नेक्स्ट 2,50,000 होगा उस पर 5% टैक्स लगेगा। तो 4,96,200 में से 2,50,000 लेस किया तो कितना आ गया, 2,46,200। उस पर 5% टैक्स लगाएंगे तो 12,310 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें से सेक्शन 87A की डिडक्शन को लेस करेंगे। वो डिडक्शन तब क्लेम की जाती है जब किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से कम हो। इसमें अमाउंट ऑफ टैक्स और 12,500 इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट हो उतने की डिडक्शन क्लेम कर ली जाती है। तो हमारा यहाँ पे 12,310 कम है, इसे हमने क्लेम कर लिया तो हमारा बैलेंस टैक्स कितना आ गया, नील। और यहाँ पे हमें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी दिया गया था, TDS, उसे हम लेस कर देंगे, वो 15,000 का था। तो हमारी रिफंड की अमाउंट आ जाएगी 15,000। फिफ्थ प्रॉब्लम इसमें हमें मिस्टर रहीम की असेसमेंट ईयर 2019-20 की टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। मिस्टर रहीम क्या है, एक लॉयर है, वो उसका खुद का प्रोफेशन है। यहाँ पे उसके प्रोफेशनल गेन दिए गए हैं, शेयर ऑफ AOP 1/4 दिया गया है और शेयर ऑफ अनदर AOP दिया गया है 1/2। अब हमें उसकी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। सॉल्यूशन में हमारे यहाँ पे सिर्फ एक हेड दिया गया है, बिजनेस हेड। तो उसकी इनकम कितनी है, 2,98,400। तो मिस्टर रहीम की टोटल इनकम कितनी आ गई, 2,98,400। अब हम उसकी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। पहले 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं होगा, वो हो गया नील। और जो हमारी अमाउंट बच गई उस पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 48,400 पे 5% लगाएंगे तो 2,420 आ गया, वो हमारा क्या आ गया, टैक्स। अब जब किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से कम हो ना, उसमें कोई पर्सन या तो 12,500 या उसके टैक्स, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगी उतने की रिबेट को क्लेम करेगा। तो यहाँ पे कितने की रिबेट क्लेम कर सकता है, वो 2,420 की। तो हमारी टैक्स पेबल अमाउंट कितनी आ गई, नील। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा पैरा दिया गया है ना, उसमें बताया गया है कि जो मिस्टर रहीम है ना, उसकी इनकम 2,50,000 से एक्सीड कर रही है जो क्या है, एग्जेम्प्टेड लिमिट है। उसमें क्या होता है, अगर किसी पर्सन की इनकम 2,50,000 से इंक्रीज कर रही हो ना, तो उसकी इनकम में शेयर ऑफ AOP को ऐड नहीं किया जाता। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे जो दोनों तरह के AOP दिए गए थे ना, उन दोनों शेयर पे टैक्स को MMR यानी कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो 30% होता है उस पर सेपरेटली टैक्स पे करना होगा। और मिस्टर रहीम की टैक्स लायबिलिटी नील होगी। सिक्स्थ प्रॉब्लम में हमें मिस्टर जगजीत सिंह जो कि एक आर्टिस्ट है, हमें उसकी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। हमें यहाँ पे दो तरह की इनकम दी गई है, एक तो बिजनेस इनकम और एक कैपिटल गेन। बिजनेस इनकम में हमें प्रोफेशनल गेन दिए गए हैं, उन्हें लिख लेंगे। और कैपिटल गेन में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिए हैं। इन सभी का टोटल करके हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई कितनी, 4,50,000। देन हमें जो भी इक्वेशन में सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन दी गई हैं हम उन्हें क्लेम करेंगे। पहले तो अमाउंट डिपॉजिट इन PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसे क्लेम करेंगे, 10,000 लेस कर दिया। देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेस कर दिया तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई, 4,24,000।
अब हम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं ना, उन पे अलग से 15% टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और जो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उन पे 20% टैक्स लगता है, और जो हमारी कैजुअल इनकम्स होती हैं उन पे 30% टैक्स लगता है। इसलिए हम कैपिटल गेन पे अलग से टैक्स लगा देंगे, और जो हमारी बची हुई इनकम है उस पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगाएंगे। तो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने के थे, 30,000 के, उसका 15% कर दिया तो 4,500 आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 के थे, उसका 20% कर दिया तो 2,000 आ गया। और हमारी बची हुई इनकम कितनी है, 4,24,000 में से हमने जिन पे अलग से टैक्स लगाया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमने अलग से टैक्स कंप्यूट कर लिया ना, अब इन दोनों का हम जो हमारी टोटल इनकम है ना उसमें से लेस कर देंगे, तो हमारी बची हुई इनकम कितनी आ गई, 3,84,000। तो हम पहले 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, और जो हमारा बाकी 2,50,000 होता है उस पर 5% लगता है। लेकिन हमारा यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, 1,34,000, उस पर हम 5% लगा देंगे तो कितना टैक्स आ गया, 6,700। अब यहाँ पे हम सेक्शन 87A की रिबेट को क्लेम करेंगे। सेक्शन 87A में बताया गया, अगर किसी पर्सन की इनकम, टोटल इनकम 5 लाख से कम हो तो वो इस रिबेट को क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे हमारा टैक्स कम है या 12,500, इन दोनों में से जो भी कम होगा ना उसकी हम रिबेट को क्लेम करेंगे। तो हम यहाँ पे 12,500 को क्लेम कर लेंगे, तो हमारी बची हुई अमाउंट कितनी आ गई, 700। 13,200 माइनस 12,500 को माइनस करेंगे तो हमारा 700 आ गया। उसमें हम हेल्थ और एजुकेशन सेस यानी कि 4% ऑफ टैक्स यानी कि 700 का 4% को ऐड करेंगे, 28 को ऐड किया तो 728 आ गया। ये हमारी टैक्स पेबल अमाउंट है, इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे 730, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब यहाँ नीचे हमें नोट में भी यही लिखना है कि मिस्टर जगजीत सिंह है ना, वो 87A की रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, और उस रिबेट को क्लेम करने के बाद उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, 730। सेवंथ प्रॉब्लम में हमें मिस्टर जगदीश सिंह की टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। हमें उसकी बर्थ ईयर दिया गया है 1/1/1929, और हमें टैक्स लायबिलिटी कब की कंप्यूट करनी है, 1920 की। अब यहाँ पे देखो, यह पर्सन अप्रोक्सीमेटली 99 ईयर्स का है, यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन है ये, ठीक है। अब मैं ये बताऊँगी इसका बाद में क्या करना है। अब हम इसकी पहले तो टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। हमें बिजनेस इनकम दी गई है 10,50,000, उसके बाद हमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी गई है 60,000, देन हमें कैपिटल गेन दिए गए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 के, और उसके बाद हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिए गए हैं, लॉटरी से होने वाली इनकम 20,000 है, ये हमारी कैजुअल इनकम है, ओके। देन बैंक इंटरेस्ट पे जो हमारा सेविंग अकाउंट था उस पर 6,000 की इनकम हो रही है, फिक्स्ड डिपॉजिट से 53,000 की इनकम हो रही है। इन सभी का टोटल करके हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 12,39,000। देन हम उसके बाद डिडक्शंस क्लेम करेंगे। पहले 80C की डिडक्शंस देख लो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 का, देन डिपॉजिट इन PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना, 1 लाख का, तो यहाँ पे हमारी 1,40,000 आ गई। और जो ये 80C की डिडक्शंस है ना वो 100% हम क्लेम कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट डिडक्शन क्लेम करनी है 80TTB की। जो 80TTB की डिडक्शन होती है ना वो हमें इंटरेस्ट इनकम पे मिलती है, जो इंटरेस्ट इनकम किसी सीनियर सिटीज़न को हो रही हो। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक हमें कितना मिल रहा है, 6,000 का,
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना मिल रहा है, 53,000 का, तो कितना इंटरेस्ट आ गया टोटल, 59,000। अब जो हमारी ATC की डिडक्शंस थी वो तो 100% हम क्लेम कर सकते थे, बट जो हमारी ATTUTB की डिडक्शन है ना, उसमें क्या होता है, या तो हमारी इनकम वो लेते हैं या हमारी जो 50,000 की अमाउंट होती है, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होती है ना उसको हम क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 50,000 कम है या 59,000, ऑब्वियसली 50,000, तो उसे हम क्लेम कर लेंगे। तो हमारी डिडक्शंस का टोटल कितना आ गया, 1,40,000 प्लस 50,000, 1,90,000। इसको हम हमारे ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी कितनी, 10,49,000। अरे ये बंदा तो बहुत अमीर है। अब हम मिस्टर जगदीश सिंह की, जो कि क्या है, सुपर सीनियर सिटीज़न है, उसकी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, जो हमारी कैजुअल इनकम्स होती हैं या जो हमारे कैपिटल गेन्स होते हैं उन पे हम अलग से टैक्स कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कैजुअल इनकम दी गई थी ना एक, उस पे 30% टैक्स लगेगा। 20,000 का 30% किया तो 6,000 टैक्स आ गया। देन उसके बाद हमारी इनकम बच कितनी गई, टोटल इनकम थी हमारी 10,49,000, उसमें से हमने 20,000 पे तो टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, उसे लेस कर देंगे तो हमारी इनकम कितनी बच गई, 10,29,000। अब देखो यहाँ जो सुपर सीनियर सिटीज़न का केस होता है ना, उसमें हमारा स्लैब रेट अलग होता है। नॉर्मल पर्सन के केस में तो पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं होता, अब यहाँ पे पहले 5,00,000 पे कोई टैक्स नहीं होता, तो पहले 5,00,000 पे नील, अगले 5,00,000 पे 20%, कितना आ गया, 1,00,000 आ गया। और जो हमारी बाकी अमाउंट बच गई ना 29,000 की, उस पर 30% टैक्स लगेगा, कितना आ गया, 8,700। ये स्लैब रेट आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो हमारी टैक्स की अमाउंट कितनी आ गई, 1,08,700, और 6,000 का हमारा कैजुअल इनकम का टैक्स था, तो हमारा टोटल टैक्स कितना आ गया, 1,14,700। अब यहाँ पे हम 87A की डिडक्शन क्यों नहीं क्लेम कर रहे, क्योंकि इस पर्सन की जो इनकम है ना 10,49,000, वो 5,00,000 से एक्सीड कर रही है, इसलिए। तो इसके टोटल टैक्स में हम क्या करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% ऐड कर देंगे, 1,14,700 का 4% किया तो 4,588 आ गया, तो हमारा टोटल टैक्स कितना आ गया, 1,19,288। इसको हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो हमारा राउंड ऑफ करके हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई 1,19,290। यहाँ पे नोट्स में हमें क्या दिया गया है, जो मिस्टर जगदीश सिंह है ना वो एक सुपर सीनियर सिटीज़न है, हम ये नोट्स एग्ज़ाम में देने होंगे, नहीं तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। और एक बात और, हमें लास्ट पर टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने के बाद उसे राउंड ऑफ ज़रूर करना है। और हमारा सेकंड नोट हमें क्या दिया गया है, विद इफेक्ट फ्रॉम एनुअल ईयर 2019-20, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हो गए ना उनको डिडक्शन या तो उनकी इंटरेस्ट इनकम और 50,000, इन दोनों में से जो भी लेस होगा ना उतने की डिडक्शन मिलेगी। हमने ऊपर किया था ना, 50,000 हमारा कम था, उतने की डिडक्शन हमने क्लेम कर ली। ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, 80TTB में। एट्थ प्रॉब्लम इज, इसमें हमें असेसी की असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए एक तो टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है, और यहाँ पे हमें उन्होंने ये भी पूछा है कि हमें अंडर सेक्शन 86 कितने की अमाउंट रिबेट करनी होगी, यानी कि कितनी अमाउंट रिफंडेबल होगी। तो सोल्यूशन में देखो, हमारी टोटल इनकम पहला हेड होता है बिजनेस हेड, बिजनेस इनकम दी गई है 5,65,000। देन उसके बाद कैपिटल गेन, वो हमें दिए नहीं हुए और ना ही हाउस प्रॉपर्टी हेड दिया है, तो हमारा अगला हेड होगा अदर सोर्सेस, उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 17,000 दिया है, तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी इन दोनों का टोटल करके 5,82,000।
और अंडर सेक्शन 80 कोई भी डिडक्शन नहीं दी गई, इसलिए उसे नील लिखा है। और हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई, 5,82,000। उस पर हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करेंगे। तो पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं, नील, और नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% कितना आ गया, 12,500। और जो हमारी अमाउंट बच गई उस पर हम 20% टैक्स लगाएंगे, वो अमाउंट आ गई 16,400। और हमारा टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 28,900। उसमें हम हेल्थ और एजुकेशन से ऐसा ऐड करेंगे 4% ऑफ टैक्स, यानी कि 4% ऑफ 28,900 वो आ गया 1,156। तो हमारी टैक्स पेबल अमाउंट आ गई 30,056। इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 30,063। ये हमारी टैक्स पेबल की अमाउंट आ गई। अब नीचे दो लाइन्स हमें दी गई हैं, उनमें यह बताया गया है कि जो हमें ऊपर 1/4 शेयर ऑफ AOP दिया गया था ना, उस पे हम असेसी की इनकम में टैक्स कंप्यूट नहीं करेंगे। उस पे AOP अलग से टैक्स पे करेगी, जो कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे करेगी 30%, वो AOP खुद पे करेगी। इसे असेसी की इनकम में क्यों नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि असेसी की इनकम यहाँ पे 2,50,000 से एक्सीड हो रही है। कितनी इनकम दी गई है, 5,82,000, जो कि 2,50,000 से ज़्यादा है। और यहाँ पे कोई भी रिबेट नहीं है, ये भी हमें बताना होगा नीचे कि इस केस में अंडर सेक्शन 86 असेसी की कोई भी रिबेट की अमाउंट नहीं होगी। 9th प्रॉब्लम, इसमें हमें मिस्टर डी, जो कि प्रोफेशन में एक राइटर है, उसकी टैक्स लायबिलिटी को असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए कंप्यूट करना है। तो हम उसकी पहले टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। पहला हेड होता है बिजनेस हेड, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी नहीं दी गई, इसलिए हमारा फर्स्ट हेड बिजनेस हेड होगा। तो उसकी प्रोफेशनल इनकम हमें दी गई है 3,80,000। देन उसके बाद हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो है हमारी रॉयल्टी इनकम, वो बुक्स राइट करता है उसके ऊपर उसको रॉयल्टी मिलती है, जो कि उसकी इनकम है कितनी है, 42,000 की। और उन बुक्स को राइट करने पे उसको जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें से हम लेस कर देंगे, तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ गई 34,000। और बिजनेस हेड और अदर सोर्सेस हेड की इनकम को ऐड करके हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 4,14,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सेक्शन 80 की डिडक्शन है उसको क्लेम करेंगे। इक्वेशन में हमें बताया गया कि उसने PPF में 24,000 का डिपॉजिट किया था, सेक्शन 80C की डिडक्शन है ये, उसको हम लेस कर देंगे तो उसकी टोटल इनकम आ गई 3,90,000। अब हम उसकी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। पहले 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो उसकी अमाउंट बच गई 1,40,000, उस पर 5% लगेगा टैक्स, तो आ गया 7,000। तो हमारी टैक्स की अमाउंट आ गई 7,000। उस पर हम सेक्शन 87A की रिबेट को क्लेम करेंगे। अब यहाँ पे मिस्टर डी की इनकम 5,00,000 से कम है ना, उसमें क्या बताया गया है कि 12,500 या टैक्स की अमाउंट, इन दोनों में से जो भी कम होगी उसको हम क्लेम कर सकेंगे। तो यहाँ पे 7,000 कम है, उसको क्लेम किया, तो उस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, नील। यहाँ पे नोट में हमें यह बताना है कि मिस्टर डी है जो, उसको 87A की रिबेट मिलेगी, क्योंकि उसकी इनकम 5,00,000 से एक्सीड नहीं हो रही। 10th प्रॉब्लम में हमें मिस्टर वैद की असेसमेंट ईयर 2019-20 की टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है, और हमें उसकी एज दी गई है 68 ईयर्स, वो क्या है, एक सीनियर सिटीज़न है। और हमें उसकी ग्रॉस टोटल इनकम दी गई है, और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ग्रॉस टोटल इनकम में हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इंटरेस्ट इनकम भी इंक्लूड है, और जो बाकी की बैलेंस इनकम बचेगी वो क्या होगा, प्रोफेशनल गेन।
अब आप सोल्यूशन देखो, हमने पहले तो उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। ग्रॉस टोटल इनकम हमें दी गई है 6,24,270 और उसमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी इंक्लूड है 36,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने इंक्लूड हैं 15,000 और अदर सोर्सेज की इनकम में कितने इंक्लूड हैं जो कि इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हैं 11,000 के। इन सभी को हम 6,24,270 में से लेस कर देंगे तो हमारी जो बैलेंस इनकम आएगी वो होगी प्रोफेशनल गेन की इनकम कितनी है 5,62,270 और हमारी ग्रॉस टोटल इनकम तो हमें दी गई थी। अब हम सेक्शन 80 की डिडक्शंस को क्लेम करेंगे, वो भी हमें पहले तो कुछ इक्वेशंस में दी गई हैं। तो पहले 80C की डिडक्शन देख लो, NSE में इन्वेस्ट की थी उसने अमाउंट 20,000 की, वो क्लेम करेंगे। उसके बाद 80D की डिडक्शन, उसने बाय चेक क्या किया था, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को पे किया था 10,000 का, उसे क्लेम कर लेंगे। 80D सेक्शन को याद करना हो ना, डी से बन जाएगा दवाई, तो दवाई से याद रखना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे हमें 80D की डिडक्शन मिलेगी। अब ये एक सीनियर सिटीज़न था तो यहाँ पे हम इसने जो इंटरेस्ट अर्न किया है ना बैंक डिपॉजिट पे, उस पे हम 80TTB की डिडक्शन को क्लेम करेंगे। इसे आप याद रख लेना। इसमें क्या होता है, जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया है या 50,000, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होती है ना हम उतना डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। यहाँ पे कम कितनी है, उसने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अर्न तो किया था 11,000 और 50,000, इन दोनों में से लेस है 11,000, उसे हम क्लेम कर लेंगे। तो हमारी नेक्स्ट डिडक्शन होगी, मिस्टर वैद ने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में 28,000 का डोनेशन दिया था। अब ये डोनेशन वाली डिडक्शन थोड़ी सी समझनी मुश्किल होती है, तो पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम में से जो हमने ऊपर डिडक्शन लगाई ना सभी, उन सभी को माइनस कर देंगे और उनके साथ ही कैपिटल गेन को भी माइनस कर देंगे। तो हमारी कितनी इनकम आ गई 5,68,270। इस अमाउंट का हम क्या करेंगे 10% कर देंगे तो आ जाएगा 56,827। ये हमारी एक अमाउंट आ गई। अब हमें एक दूसरी अमाउंट पता करनी है। दूसरी अमाउंट कैसे पता करनी है, उसने जितने का डोनेशन किया ना उसका 50% कर दो। 50% कितना आ गया 14,000। ये हमारी सेकंड अमाउंट है। अब हमारी फर्स्ट अमाउंट और सेकंड अमाउंट, इन दोनों में से जो भी लेस होगी ना हम उतने की डिडक्शन 80G में क्लेम कर सकते हैं। कितनी आ गई 14,000 की। तो अब हम इन सभी डिडक्शन का टोटल कर लेंगे 55,000 आ गया। इन सभी को हम हमारी ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि 6,24,270 में से लेस करेंगे तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई 5,69,270। टोटल इनकम को कंप्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना जो हमारे कैपिटल गेन्स होते हैं या कैजुअल इनकम्स होती हैं इन पे हम अलग से टैक्स कंप्यूट करते हैं। तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिए हुए थे 15,000 के, उस पे हम 15% टैक्स लगा देंगे तो कितना आ गया 2,250। अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिए होते तो उस पे 20% टैक्स लगाते और अगर कैजुअल इनकम दी होती तो 30% टैक्स लगाते, बट वो तो दी नहीं हुई। और हमारी बैलेंस इनकम कितनी बच गई 15,000 पे, तो हमने टैक्स लगा दिया ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, उसको हम हमारी टोटल इनकम में से लेस कर देंगे तो हमारी बची हुई इनकम आ गई 5,54,270। तो यहाँ पे हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगाएंगे इस बची हुई इनकम पे। तो जो मिस्टर वैद है वो एक सीनियर सिटीज़न है और सीनियर सिटीज़न के लिए स्लैब रेट भी डिफरेंट होते हैं। तो पहले 3,00,000 पे तो कोई टैक्स नहीं होगा, वहाँ पे नील आ गया। और जो नेक्स्ट 2,00,000 है उस पे 5% टैक्स लगेगा, 10,000 आ गया। और जो हमारी अमाउंट बची है 54,270 की,
उस पर 20% टैक्स लगेगा, कितना 10,854 आ गया। इन तीनों का टोटल करके 20,854 आ गया। और इसमें हम जो हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कंप्यूट किया था उसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल टैक्स कितना आया, 23,104। देन इसमें हम हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, 4% ऑफ टैक्स होता है, वो कितना आ गया, 924। और टैक्स पेबल अमाउंट हमारी आ गई 24,028। यहाँ पे नोट में हमें क्या बताया गया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम एनुअल ईयर 2019-20 जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना उनको अंडर सेक्शन 80 TTB 50,000 की उनकी इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस पे डिडक्शन मिलती है। वो डिडक्शन कैसे मिलती है, या तो उनके जो इंटरेस्ट की इनकम हो वो ले लो एक, और एक 50,000, इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगी ना उतने की डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक भी दिया गया है, उसमें आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के PDFs मिल जाएंगे और पिछली वीडियोस के PDF में मिल जाएंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। या किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।